हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हाजी को नई धमाकेदार वीडियो करता हूं। आज वीडियो में रहेगा वीडियो नाम बहुत ही मजेदार। तो आज का हमारा वीडियो नाम फुल चेस्ट वर्कआउट के ऊपर। चेस्ट बोले या फिर सीना बोले या फिर छाती बोले, तो बहुत भाई सोचते, बहुत भाई कहते हैं कि भाई सीना तान के चला कर। तो भाई उसका सीना है नहीं, तो भाई तानेगा कहाँ से? और आपका चेस्ट अच्छा, सीना अच्छा, तो भाई आपका टी शर्ट के अंदर भी सीना बाहर चमकेगा। तो आज आपके लिए चेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसके लिए लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, अपर चेस्ट, साइड चेस्ट और गाय के लिए पूरा एकदम अच्छी तरीके से ट्रेन कर दी। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हमने यहाँ पर दो ईंट ले रखी है और यहाँ पर ले रखा मैट। तो ओनली बॉडी वेट के साथ पूरा एकदम चेस्ट को ट्रेन कर देंगे, पंप कर देंगे बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं लेस्ट को। तो हमने यहाँ पर मैट ले लिया, तो मैट बिछाते आइए और उसी के बाद एकदम फॉलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने घर में, पार्क वगैरह में, कहीं पर भी इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं आसानी से। और भाई जो मेरे मतलब आर्मी वाले भाई हैं और उनका चेस्ट थोड़ा वीक रहता, तो भाई वो भी इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि भाई एक आध दो इंच आपका चेस्ट कम होने के कारण आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो भाई आप इस वर्कआउट को फॉलो करने के बाद अपना अपनी छाती को चौड़ा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, तगड़ा कर सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं लेस्ट को। तो हम पहले एक्सरसाइज लगाएंगे इस कंडीशन में। तो हमें पहले एक्सरसाइज लगानी है पुशअप, जो कि हमारा एकदम चेस्ट पंप मतलब चेस्ट की मसल हमारी खुल जाएंगे अच्छी तरीके से। तो हम पहले एक्सरसाइज लगाएंगे इस कंडीशन में, नॉर्मली पुशअप्स लगानी हमें इस कंडीशन में। तो हमें शोल्डर के सामने हाथ रखने हैं और बॉडी को रखना सीधा इस कंडीशन में, और फिर उसको सामने की तरफ ये इस कंडीशन में 1 2 पूरा ऊपर आना, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो हो गई हमारे मतलब चेस्ट का वॉर्म अप हो गया। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, जो कि हमें मतलब पहली एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी इस कंडीशन में। तो हमें यहाँ पर ये दो ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है, और वो हम मैं यहाँ पर ले चुका हूँ और सभी भाइयों घर ईंट है उपलब्ध हो गई है। तो पहली एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में। तो हमें घुटने रखने हैं इस कंडीशन में, थोड़ा मोड़ के रखने घुटनों को, और ये पूरा एकदम सामने की तरफ रखना। तो ये हमारे साइड चेस्ट के लिए और बिच की गाय के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये इस कंडीशन में पूरा एकदम साइड में लेना, साइड में इसकी यूज करना, होल्ड करना, रोक के रखना इस कंडीशन में, फिर से साइड में। तो हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, और हर सेट में इतने रेपिटेशन निकालने हैं आपको जितना आपका जब तक चेस्ट की मसल दुखने लगे। तो आपको वर्कआउट करते रहना इस कंडीशन में, पूरा एकदम इसकी यूज करके होल्ड करके वर्कआउट करना, फील करके इस कंडीशन में। तो ये तो हो गया हमारे साइड चेस्ट और बिच की गाय के लिए एक्सरसाइज। और अब हम लगाएंगे जो कि हमारे लोअर चेस्ट के लिए वर्कआउट लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे इस कंडीशन में। तो हमें यहाँ पर इस कंडीशन में वर्कआउट करना है। तो ये आगे से हमें इस कंडीशन में उठा लेनी पीछे से इस कंडीशन में, और ये ऊपर की तरफ रखनी है, सिलो नीचे इसकी यूज करना। तो हमारे लोअर चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरीके से इस कंडीशन में। क्योंकि आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है वर्कआउट करने के लिए, तो इस वर्कआउट को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं इस कंडीशन में, मैट बिछा के और या फिर कोई भी दड़ी वगैरह बिछा के। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, और मैं आपको एक एक एक्सरसाइज लगाए बता रहा हूँ, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, जो कि हमें लगानी है अपर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज। तो हमें यहाँ पर एक ईंट खड़ी कर लेनी है इस कंडीशन में, और इस पर बैलेंस बना के एक्सरसाइज करनी है इस कंडीशन में। तो बॉडी को सीधा रखना, और भाई आपको बैलेंस बना कर रखना ताकि ईंट गिरे ना, सिलो सिलो नीचे जाना, और पूरा चेस्ट पे लोड डालना है ऊपर आते समय इसकी यूज करना। तो हमारे यहाँ पर चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है इसकी यूज करना इस कंडीशन में, इसकी यूज इस कंडीशन में। और अब हम लगाएंगे अपने मिडिल चेस्ट के लिए अगली एक्सरसाइज, जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में। तो हमें यहाँ पर दो ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है, दो ईंटों को रखना है इस कंडीशन में साइड, इस कंडीशन में खड़ी रखना है ये। तो ये हमने खड़ी कर ली ईंटें, और इन पे थोड़ा बैलेंस बना के रखना ताकि भाई आपको चोट वगैरह ना लगे इस कंडीशन में। तो ये मिडिल चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है, जो कि हमें बॉडी को सीधा रखना है और सिलो सिलो नीचे जाना इस कंडीशन में, ऊपर स्क्यूज करना इस कंडीशन में, ऊपर स्क्यूज,
बॉडी को सीधा रखना है और ज़्यादा आपको हिलाना नहीं है बॉडी को। एक्सक्यूज, तो एक्सरसाइज आपको इस कंडीशन में लगानी है। भाई चेस्ट बम्प हो चुका अच्छी तरीके से, और हम लगाएंगे अगले एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में। तो दो ईंटों को यहाँ पर जोड़ लेना है, इस कंडीशन में जोड़ लेना। और ये बीच की गाय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, बढ़िया एक्सरसाइज है। आप इसे अच्छे से फॉलो करते तो भाई आपकी बीच की गाय एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसे यहाँ पर रोक कर रखना, बॉडी को सीधा रखना और ये आगे की तरफ स्केच करना, होल्ड करना थोड़ा, फिर से पीछे सिलो सिलो पीछे स्केच, सिलो पीछे। तो हमारी बिच की गाय के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो भाई आप इस वर्कआउट को फॉलो कर अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो भाई आप टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो आपका एकदम चेस्ट बाहर चमकेगा। तो इस वर्कआउट को आप अच्छे से फॉलो करो और आपका एकदम अच्छे से पूरा एकदम चेस्ट पंप हो जाएगा। तो भाई पूरा एकदम पंप हो चुका अच्छे तरीके से। तो ये वर्कआउट आप अच्छे से फॉलो करना आपको। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलो। अगली वीडियो की स्टॉप पुरानी है कमेंट के थ्रू जरूर। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।